पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री पाटिल साहिब, उपस्थित बंधुओं बहनों, आगम वांग्मय में, आरहत वांग्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा सरणा एवा तुमं पितेशिम नालम ताना एवा सरणा एवा। एक संत पुरुष साधु एक उद्यान में बैठा था, वो तप तप रहा था, ध्यान की मुद्रा में आसीन था, हाथों की मुद्रा, बैठने का तरीका, बंद आंखें, मूंदी हुई आंखें, यह दर्शा रही थी कि यह कोई साधक आदमी लग रहा है, साधु लग रहा है, वेशभूषा भी साधु की लग रही है, कोई महात्मा है। वहां एक राजा किसी प्रयोजन से आ गया, राजा की दृष्टि उस साधु पर पड़ी। साधु वृद्ध अवस्था का नहीं था, एकदम बच्चा भी नहीं था, यौवन अवस्था में था, युवा, एकदम यौवन मानो टपक रहा था चेहरे से शरीर से। उस युवा अवस्था के एक व्यक्ति को साधु के रूप में देखा तो राजा के मन में आया कि इतना जल्दी साधुपन कैसे ले लिया, संन्यास कैसे ले लिया। ये ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कि 75 के बाद कोई साधु बने वे तो ठीक है, मान लें अब जीवन का अंतिम पड़ाव है, जीवन का चौथा चरण है 100 वर्षों के हिसाब से, पर यह तो अभी जवान है, अभी तो संसार में रहने का, भोग भोगने का, कमाई करने का, गार्हस्थ्य जीवन जीने का समय है, अभी साधु कैसे बन गया, एक मन में प्रश्न उठा। सोचा साधु से मैं बात करूं, साधु क्यों बन गया यह, पर साधु तो ध्यान में है, प्रेक्षा ध्यान जैसे हमारे यहाँ वो चलता है, प्रेक्षा ध्यान, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराया करते थे, और ध्यान की मुद्रा और ध्यान की गहराइयों में जाने पर आदमी गहराई में चला जाए तो अपने प्रभु के साथ, अपने साथ आदमी हो सकता है। एक बार एक गुरु और चेला दोनों जा रहे थे, पद विहार, पद यात्रा हो रही थी, एक गुरु और एक जवान चेला, गुरु थोड़ा प्रौढ़ 60-65 की उम्र का, चेला छोटी उम्र का 25-30 वर्ष का, दो ही दो चल रहे थे। जंगल का रास्ता आ गया, इधर पानी भी था, इधर पहाड़ भी थे, हरियाली भी थी, 3-4 किलोमीटर चले तो गुरुजी बोले अपने शिष्य से कि वत्स, आज थोड़ा मेरा प्रातःकाल ध्यान साधना का क्रम पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बाकी रह गया, अभी यहाँ हरियाली, पहाड़, पानी, जंगल, एकांत, वृक्षावली, मैं थोड़ी देर ध्यान करना चाहता हूँ। गुरुजी ध्यान में रुचि लेते थे,
चेला बड़ा विनीत था, यों बोला, गुरुदेव जैसे आपकी इच्छा मैं व्यवस्था कर दूं। तो एक बार कोई चौकी सी थी पत्थर की बनी हुई, वहाँ शिष्य ने गुरु का बैठने का आसन लगा दिया कि गुरुदेव आप यहाँ विराजो, आप ध्यान साधना करो और जब आप कहेंगे तब हम आगे चलेंगे। तो गुरुजी बोले, अंदाज आधा घंटा का समय मैं लगाना चाहता हूँ, उसके बाद आगे चलना है। तुम भले स्वाध्याय कर लो या थोड़ा घूम लो, जैसे इच्छा हो, मैं ध्यान में बैठता हूँ। गुरुजी आसन पर, जो पत्थर की चौकी पर लगाया गया, उस पर आसीन हो गए। एकदम शरीर की स्थिरता, शिथिलता, आंखें मुंदी हुई, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखते हुए ध्यान की गहराई में चले गए। 5-7 मिनट बीते, जंगल का क्षेत्र था, एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। चेले ने देख लिया शेर आ रहा है, तो गुरुजी को यहां से उठाऊं आगे ले चलूं। चेला गुरुजी के पास आया, बोला, गुरुदेव गुरुदेव शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। गुरुजी तो मानो सुनते ही नहीं, एकदम ध्यान मग्न है। 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, गुरुजी तो एकदम स्थिर हैं, बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं। चेले ने सोचा, आज गुरुजी को तो खतरा है, मैं क्यों मरूं, मैं तो अपनी सुरक्षा करूं। पास में पेड़ था, चेला पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर अपनी गति से आगे बढ़ते बढ़ते गुरुजी के पास आ गया, गुरुजी के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुरुजी को देखता रहा, कभी गुरुजी को चेहरे की ओर देखता है गुरुजी के, कभी हाथों की मुद्रा को देखता है। 1-2 मिनट गुरुजी के पास रुका और वह शेर आगे बढ़ गया। काफी दूर कोई गहरे जंगल में शेर चला गया। इतने में 1/2 घंटा करीब पूरे हुए तो गुरुजी ने आंखें खोली, ओम कहते हुए ध्यान पूरा किया और चेला निकट आ गया कि गुरुदेव अब और कुछ मर्जी नहीं, अब आगे चलना है। तो कहा ठीक है, शिष्य ने सामान समेटा, आगे बढ़ने गुरु आगे बढ़ने लगे, चेला साथ साथ चलने लगा। 1/2 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, जंगल में मच्छर भी थे, कोई 1-2 मच्छर गुरुजी को काट गए। तो गुरुजी उफ, अरे अरे मच्छर, अरे मच्छर मच्छर, क्यों थोड़े आकुल व्याकुल से होने लग गए। तो चेले को हंसी आ गई, थोड़ा हंसने लग गया। गुरुजी ने देखा, अरे हंसता है, अरे हंसते क्यों हो, क्या हुआ। अब यहां गुरु चेले थोड़े मित्र से भी आपस में हो जाते। चेला बोला, गुरुदेव आप तो अजीब आदमी हो, विचित्र आदमी हो, क्यों और क्या, आप वहां ध्यान में बैठे थे, वहां शेर आ गया था, मैंने कितनी बार कहा गुरुदेव उठो उठो, शेर आ गया, शेर आ रहा है, आप उठे नहीं, शेर आपके पास खड़ा रहा, आप उठे नहीं, एकदम स्थिर ध्यान में रहे, कितनी बड़ी बात है, शेर पास में आ गया, हिंसक एक प्राणी, आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए, शेर से आप नहीं डरे। अभी 1-2 मच्छर कोई काटा होगा, मच्छर ने काटा होगा, अरे अरे मच्छर मच्छर, यो आकुल व्याकुल से होने लग गए। इतना अंतर कैसे आ गया, वहां आप इतने स्थिर बैठे थे, या यो कैसे करने लग गए, 1-2 मच्छर के कारण, संभवतः किसी मच्छर ने काटा होगा आपको, इतना अंतर कैसे आ गया। तो गुरुजी ने एक थोड़ी गहरी बात कही कि वत्स, जब मैं ध्यान में था तब मैं अपने प्रभु के साथ था, अपने प्रभु के साथ था, अब मैं तेरे साथ हूं, अब मैं तेरे साथ हूं, इतना फर्क है।
प्रभु के साथ था, मुझे कोई भय नहीं था, एकदम सुरक्षित था, अपने आप में था। अब तेरी संगति में हूँ, इसका प्रभाव आ गया होगा, मैं एक दो मच्छर से यूँ आकुल व्याकुल सा हो गया। तो ध्यान की साधना में जब आदमी भीतर में चला जाए तो वहाँ अलग अनुभव हो सकता है, बाहर की दुनिया में अलग अनुभव हो सकता है। तो वह साधु उद्यान में ध्यान में बैठा था, थोड़ी देर बाद ध्यान पूरा किया, राजा सामने खड़ा था, बोला मुनि जी यह युवा अवस्था, आप अभी साधु कैसे बन गए, घर परिवार कैसे छोड़ दिया, अभी तो संसार में रहने का, गृहस्थ आश्रम में रहने का समय है, अभी साधु कैसे बन गए। तो साधु बोला कि मैं अनाथ था इसलिए साधु बन गया, अनाथ था इसलिए साधु बन गया। राजा के मन में एक विचार आया, रे मेरे राज्य में कोई अनाथ भी होता है क्या, यह तो गलत बात है, मेरे राज्य में कोई अनाथ कैसे रहे, सबको मिल जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति सबकी होनी चाहिए। तो राजा बोला कि मुनि जी आप चिंता मत करो, मैं आपका नाथ बनता हूँ, मैं आपका नाथ बनता हूँ, आप आओ मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहो, कोई कमी नहीं रहने दूंगा। साधु बड़ा तेजस्वी युवा अवस्था का तरुण तपस्वी, साधु बोला कि तुम तो खुद अनाथ हो, मेरे नाथ क्या बनोगे, तुम तो खुद अनाथ हो। तब राजा ने सोचा ये मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं, मैं राजा हूं यह जानता नहीं होगा, तब बोल दिया कि तुम खुद अनाथ हो। राजा बोला मुनि जी आप जानते नहीं होंगे, मैं यहाँ का राजा हूँ, सम्राट हूँ, मालिक हूँ, मेरे पास क्या कमी है, आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा मैं। मुनि जी बोले राजन मैं इसी राज्य का नागरिक रहा हूँ, आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप राजा हैं, मैं फिर कहूँगा आप खुद अनाथ हैं, मेरे नाथ कैसे बनोगे। तब राजा थोड़ा चौंका कि मुनि जी हैं भी तपस्वी लग रहे हैं, दोबारा कह दिया कि अनाथ हैं, तो मैं अनाथ कैसे हुआ। तो मुनि जी बोले आप यह गारंटी ले सकते हैं क्या कि मेरे शरीर में कभी बीमारी नहीं होगी, आप गारंटी ले सकते हैं क्या मुझे कभी बुढ़ापा पीड़ित नहीं करेगा, आप गारंटी ले सकते हैं क्या कभी मौत नहीं आएगी मेरे पास, यह गारंटी ले, इससे मुझे बचा सको, न कभी मौत आएगी, न कभी बुढ़ापा मुझे पीड़ित करेगा, न कभी शरीर में बीमारी होगी, इन सब बातों की गारंटी आप ले लो तो मैं सोचूं आपके पास आने का, चिंतन करूं। राजा बोला यह गारंटी मैं खुद की भी नहीं ले सकता तो आपकी क्या लूंगा। साधु बोला मैंने यही तो कहा था आप खुद अनाथ हैं, मेरे नाथ कैसे बनोगे। यह एक बात है कि आदमी अनाथ है, मृत्यु बीमारी और बुढ़ापा इनसे बचाने की गारंटी, बुढ़ापे से बचाने की फिर भी कोई व्यवस्था मान लो हो जाए, परंतु बीमारी कभी न आए या गारंटी कैसे ली जाए। मृत्यु तो एक अवश्यंभावी चीज है, उससे बचाने की गारंटी कैसे ली जाए। तो ठीक है मृत्यु से बचाना मुश्किल है या असंभव है, बीमारियों से भी बचाने का मान लो पूरा कोई गारंटी की बात न कह सके, बुढ़ापे को भी रोकना मान लो मुश्किल हो जाए, तो फिर त्राण क्या है। तो वो तत्व है धर्म, अध्यात्म, अध्यात्म और धर्म है, वो ऐसा त्राण दे सकता है
आत्मा इतनी ऊपर उठ जाए फिर न मृत्यु है न जन्म है न बीमारी है, परमात्म स्वरूप को आत्मा प्राप्त कर ले। यह साधु बन जाना, परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाना, ये बहुत ऊंची बातें हैं। आचार्य श्री तुलसी जिन्होंने अनुव्रत आंदोलन चलाया था, वे जीवन के 12वें वर्ष में साधु बन गए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो द्वितीय अनुव्रत अनुशासता थे, जीवन के 11वें वर्ष में साधु बन गए थे। हर कोई आदमी साधु बन जाए यह मुश्किल बात है, तो क्या करें? साधु तो मान लें सब नहीं बन सकते, तो और कोई उपाय है क्या? साधुओं के महाव्रत की बात है, अब आम जो गृहस्थ हैं उनके लिए जो मार्ग है वह अनुव्रत का मार्ग है कि अनुव्रत का जीवन जियो, वह भी अपने आप में एक अच्छी जीवन शैली का उपाय है, सिद्धांत है, तत्व है। आचार्य श्री तुलसी ने यह अनुव्रत आंदोलन चलाया। ऐसे अनुव्रत हमारे जैन आगमों में भी आता है, पर आचार्य श्री तुलसी ने थोड़ा इसको व्यापक रूप दे दिया कि जैन अजैन कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानो, किसी को भी मत मानो, किसी को भी अपना गुरु मानो, वो आपका यथावत आप रखते हुए भी अनुव्रती बन सकते हैं। अनुव्रती बनने के लिए आचार्य तुलसी को अपना धर्म गुरु मानना जरूरी नहीं है। आप जिसको गुरु मानो आपकी इच्छा, बस अच्छे नियमों को संकल्पों को स्वीकार कर लो ताकि आपकी चेतना अच्छी रहे, जीवन अच्छा रहे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कोई नास्तिक आदमी है, न परमात्मा को मानता, न मोक्ष को मानता, न पुण्य पाप पुनर्जन्म इनको नहीं मानता, वह आदमी भी अनुव्रती बन सकता है, अनुव्रत की आचार संहिता स्वीकार कर सकता है। और कहीं कोई भूल न हो तो अनुव्रत यह विश्व भारती का अध्यक्ष भी कभी बन सकता है कि जो नास्तिक आदमी है, कोई धर्म कर्म पुण्य पाप नहीं मानता, नास्तिक है, पर नैतिकता को मानता है, अहिंसा को मानता है, संयम को मानता है, ऐसा आदमी अनुव्रत विश्व भारती का अध्यक्ष भी कभी बने। संभवतः मैं उसको वहाँ कोई आपत्ति इस बात को लेकर नहीं करूँगा कि यह धार्मिक नहीं है कि आस्तिक नहीं है, इस यह कैसे, अनुव्रत में सबका समावेश है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक हो और आस्तिक हो, अनुव्रत के सभागार में हर कोई आदमी बैठ सकता है। हाँ, नैतिकता के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, संयम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, सद्भावना अहिंसा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो अनुव्रत यो कोई वो संप्रदाय वाला धर्म नहीं है, जैन बौद्ध सनातन वैदिक सिख ईसाई ये तो एक धर्म संप्रदाय है। इस रूप में अनुव्रत कोई संप्रदाय नहीं है, क्योंकि किसी देवता को मानो, किसी गुरु को मानो मत मानो, किसी संप्रदाय को मानो मत मानो, कोई भी अनुव्रत को स्वीकार कर सकता है। तो यह अनुव्रत आंदोलन इस प्रकार का है, आचार्य श्री तुलसी ने चलाया, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का अनुशास्त्रित्व इसे प्राप्त हुआ और आज भी वह गतिमान है। अब यह अनुव्रत का अमृत महोत्सव वर्ष 75वां वर्ष चल रहा है और संपन्नता के करीब आ गया, परसों अनुव्रत वर्ष की संपन्नता है। यह संपन्नता से संदर्भित कार्यक्रम हो रहा है, तो अनुव्रत के लिए कितनों ने श्रम, अभी कुछ नाम लिए गए थे कि किन किन लोगों का सम्मान करना, जो भी कितना काम किया, तो नीम के पत्थर की बात है, ताजमहल है आगरा, हमारे संत लोग हम लोग भी गए थे, ताजमहल है, ताजमहल दूर से देखे कितना ऊंचा बढ़िया लगे, ताजमहल ताजमहल, तो ताजमहल के नीचे नीम में जो पत्थर है वे दिखते तो नहीं होंगे,
ऊपर का हिस्सा दिखता है तो ताजमहल खड़ा किस आधार पर है? नीम के पत्थरों के आधार पर मानो ताजमहल खड़ा है, तो मूल उनका कितना बड़ा आधार है। तो अनुव्रत का भी प्रारंभ हुआ तो कल्पना कर लें कितने वो नीम के पत्थर बने हैं। वे नीम के पत्थर दिखाई दें न दें, तो नीम के पत्थरों का कितना बड़ा योगदान है किसी इमारत को खड़ा रखने में। तो कितने परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आदि का तो खैर उनका तो क्या वर्णन करें, वो तो मान लो है ही, जनक कह दें कुछ भी कह दें, चारित्रात्माओं का भी कितनों का कईयों का अनुभूत के क्षेत्र में योगदान रहा है। और गृहस्थों में भी, कार्यकर्ताओं में, हमारे समणी वृंद भी यो धर्म प्रचार का काम करने वाले गृहस्थों में आप लोग जो हैं उनमें भी कितने कितने लोगों ने अनुव्रत के लिए खपे होंगे, तपे होंगे, श्रम किया होगा प्रचार में और में, गुरुदेव तुलसी का उस समय वो नेतृत्व। तो कितने कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है और आज भी कार्यकर्ता अपना श्रम समय शक्ति लगा रहे हैं इस एक अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष के संदर्भ में। कितना आना जाना, भाग दौड़, जगह जगह कार्यक्रम की व्यवस्था करना, कार्यक्रम चलाना, तो ये एक नैतिकता संयम अहिंसा से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम है। और समापन से संदर्भित यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम में श्री शिवराज जी पाटिल का आना हुआ है। और कितने वर्षों से श्री पाटिल साहब तेरा पंथ हमारे संपर्क में हैं, आचार्यों के संपर्क में हैं और अनुव्रत महासमिति के जो अध्यक्ष वैसे रहे हुए हैं। और अनुव्रत पुरस्कार की जो भी बात है, कई वर्षों के बाद पाटिल साहब को देखने का मौका मिला। बेंगलोर में आना हुआ था, बेंगलोर आए थे शताब्दी वर्ष में, तो करीब 3-4-5 वर्ष करीब करीब हो रहे होंगे। और वो अच्छा है कि ये उम्र का तो मान लो, उम्र आने पर भी सक्षमता अच्छा होना, नजर न लगे, नजर तो न लग जाए, इतनी उम्र में भी हैं सक्षमता का होना संभव है। 90 के आसपास तभी खड़े खड़े भाषण, खड़े होकर के भाषण देने की बात बहुत अच्छा है। तो यह शरीर की सक्षमता का होना भी एक सौभाग्य मान लें, इस सक्षमता का बढ़िया उपयोग आध्यात्मिक धार्मिक संदर्भों में होता रहे। तो पाटिल साहब जो पुराने वर्षों से एक संपर्क में, इधर राजनीति का तो क्षेत्र आपका रहा ही है, अनुव्रत के क्षेत्र से भी, धर्म से भी यों तेरापन से भी संपृक्त रहे हैं, तो आज आपका इस कार्यक्रम में आना हुआ है, एक कार्यक्रम की शोभा है। ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व का कार्यक्रम में उपस्थित होना अपने आप में कार्यक्रम की एक शोभा हो जाती है और कार्यक्रम को थोड़ा बल भी मिल सकता है। तो श्री पाटिल साहब का आज यहाँ आना हुआ, तो यह अनुव्रत जो है वो मानव मानव के लिए एक अच्छा जीवन जीने का एक तरीका है कि जहाँ संयम की बात, नैतिकता, प्रामाणिकता, अहिंसा, पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता, चुनाव शुद्धि, अब चुनाव शुद्धि की बात है, लोकसभा का चुनाव भी अब निकट आ रहा है, तो चुनाव में भी कैसे अनुव्रत का प्रभाव रहे और कितना क्या जितना संभव हो, उम्मीदवार हैं, वोट लेने वाले और वोट देने वाले, कितना संयम नैतिकता जितना संभव हो सके उसको काम में ले। अनुव्रत विश्व भारती भी चुनाव के संदर्भ में जितना उचित हो, एक अच्छी प्रेरणा देने का एक अवसर सामने फिर आ रहा है चुनाव का, तो कैसे चुनाव में शुद्धता रह सके उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो जो इतने लोग जो जिनके माइत, जिनके पुरखे पुरखे इस अनुव्रत से जुड़े हुए रहे हैं, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग भी कई इस संदर्भ में यहाँ उपस्थित हुए होंगे, उस परिवार के जो लोग हैं उनमें भी प्रेरणा रहे कि हमारे पुरखों ने योगदान दिया, हम भी जितना जो संभव हो सके अनुव्रत में अपना योगदान देने का
प्रयास करते रहें तो गौतम जी चौड़िया जैसे जज साहब भी जो इस ऐसे जुड़े हुए हैं, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश और यह अनुव्रत और धर्म तेरापन से जुड़े हुए हैं, तो जितना धर्म का, अनुव्रत का, अहिंसा नैतिकता का प्रचार हो सके वो कार्य यथासंभवतया चलता रहे। और यह अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष ठीक है, वर्ष तो मान लो संपन्न हो सकता है, अनुव्रत का कार्य तो लंबे काल तक चलता रहे, यह काम्य है। दानान शुद्धम अभयप्रयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचर्यं लोगुत्तमे शमनेनाय पुत्ते